डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक मिले आंकड़ों के अनुसार वोटरों ने 63.7% मतों का इस्तेमाल किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद दिया। विधानसभा क्षेत्र में 2,98,000 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि सभी 373 मतदान केंद्रों पर सभी न्यूनतम जरूरी सुविधाएं भी सुनिश्चित करवाई गईं। कुछ मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में तैयार किया गया था। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में 69.75% मतदान रहा था। 5 बजे तक 63.75 है, उसका बात भी कुछ बूथों पर वोटर था इसलिए अभी वोटिंग चल रही है। अभी 6 बजे तक भी 2 बूथ में अभी लाइन खड़ा हुआ है उसमें, इसलिए उसका अभी कंपेयर किया जा रहा है, थोड़ा सा समय लगेगी। कमीशन का रिपोर्ट देने के लिए रात को 12 बजे तक देना है, उसका पहले हम लोग कैसे ही हम लोग को फाइनल हो जाएगी, मैं आपका पास शेयर कर देंगे। 63 अभी तक 5 बजे तक 63.75। सब जहाँ पर वोटर का ही धन्यवाद किया जाता है, वो उनका बहुत अच्छा सा पारिश था आज भी, उसका बात भी अपने मताधिकार का प्रयोग है, वो सबका धन्यवाद करता हूँ। अपने कितना प्रत्याशी है वो भी अपने एक शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सहयोग है, खाहम पर भी कोई इश्यूज नहीं हुई थी, अच्छा तरफ से शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मैं आज एक कंप्लेंट भी मेरे के लिए फ़ोन में नहीं आई कोई कैंडिडेट से, ना तो कुछ कमीशन में, कुछ आप लोग के माध्यम से कुछ सूचना मिली थी उसका भी हम लोग एड्रेस किया, ऐसा नहीं कुछ राइटिंग में कोई कैंडिडेट आया कोई कमीशन का दिया हम लोग के पास दिया, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से कंप्लेंट आया नहीं। फिर मीडिया के माध्यम से क्या क्या मिला उसी का भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, ऐसा कोई संदिग्ध शांतिपूर्ण मतदान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।